सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा केस के मुलजमान दे विचों एक ते केंद्रीय गृह राजमंत्री अजय कुमार मिश्रा दे पुत्र आशीष मिश्रा दे वलों दायर जमानत अर्जी ते फैसला राखवा रख लिया। उंज सुनवाई दौरान सिखरली अदालत का कहना है कि किसी भी मुलजम नूं अपराध दे लई दोषी साबित होण तक अणमिथे समय दे लई जेल दे विच नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस दे विच सब तो वध पीड़ित जेल दे विच बंद ओ किसान ने जो हसरत भरिया अखां दे नाल वेख रहे ने ते जेकर आशीष मिश्रा नूं कुछ राहत ना दिती जावे तां फिर उन्हां किसानां दे जेल विच ही रहण दे आसार ने। जस्टिस सूर्या कांत ते जस्टिस जे के महेश्वरी दे बेंच ने जमानत अर्जी ते फैसला राखवा रखदिआं कहा है कि दोवां धिरां दे हक्कां दे विच तवाजन बिठाउण दा मामला है। उधर यूपी सरकार ने इस मसले नूं गंभीर दसदे होए मिश्रा दी जमानत अर्जी दा विरोध भी कीता है। सूबा सरकार दा कहना है कि मिश्रा दी जमानत अर्जी मंजूर किए जाण दे नाल समाज नूं गलत सुनेहा भी जाएगा। जिक्रयोग है कि 3 अक्तूबर 2021 नूं किसानां दे वल्लों यूपी दे तत्कालीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या दे इलाके दे विच फेरी नूं लैके कीते गए विरोध प्रदर्शनां दौरान लखीमपुर खीरी जिले दे तिकुनिया दे विच भड़की हिंसा दे विच 4 किसानां सने 8 व्यक्तियां दी मौत हो गई सी। उत्तर प्रदेश पुलिस दे वल्लों दर्ज FIR मुताबक SUV जिस दे विच आशीष मिश्रा भी बैठा होया सी उसने 4 किसानों नूं पहिए हेठां दरड दिता सी। इस घटना तो बाद भड़की हिंसा दे विच गुस्से दे विच आए किसानों ने SUV दे ड्राइवर ते 2 भाजपा वर्करां दी कुट कुट के हत्या भी कर दिती सी। हिंसा दौरान एक पत्रकार दी जान भी चली गई सी। तां सुप्रीम कोर्ट दे 2 मैंबरी बेंच दा कहना है कि सूबा सरकार नूं इह अधिकार है कि उह बाहरी हालात दे असर दे विच आए बिना केस दी निरपक्ष सुनवाई नूं यकीनी बनाए। सरकारां नूं इह अधिकार है क्योंकि समाज दा सन्मान दा ते लगा हुंदा है। मुलजम नूं अपराध दे लई दोषी साबित होण तक पूरा अधिकार भी है। दोष साबित होण तक किसी मुलजम नूं अणमिथे समें दे लई जेल दे विच रखण तों इनकार किया गया तां अजे जो फैसला वह राखवा रख लिया गया। लखीमपुर हिंसा मामले दे नाल जुड़ी यह वड्डी खबर है। आशीष मिश्रा जी की जमानत अर्जी ते फैसला राखवा रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा केस के मुलजमान दे विचों एक ते केंद्रीय गृह राजमंत्री अजय कुमार मिश्रा दे पुत्र आशीष मिश्रा दे वलों दायर जमानत अर्जी ते फैसला राखवा रख लिया। उंज सुनवाई दौरान सिखरली अदालत का कहना है कि किसी भी मुलजम नूं अपराध दे लई दोषी साबित होण तक अणमिथे समय दे लई जेल दे विच नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस दे विच सब तो वध पीड़ित जेल दे विच बंद ओ किसान ने जो हसरत भरिया अखां दे नाल वेख रहे ने ते जेकर आशीष मिश्रा नूं कुछ राहत ना दिती जावे तां फिर उन्हां किसानां दे जेल विच ही रहण दे आसार ने। जस्टिस सूर्या कांत ते जस्टिस जे के महेश्वरी दे बेंच ने जमानत अर्जी ते फैसला राखवा रखदिआं कहा है कि दोवां धिरां दे हक्कां दे विच तवाजन बिठाउण दा मामला है। उधर यूपी सरकार ने इस मसले नूं गंभीर दसदे होए मिश्रा दी जमानत अर्जी दा विरोध भी कीता है। सूबा सरकार दा कहना है कि मिश्रा दी जमानत अर्जी मंजूर किए जाण दे नाल समाज नूं गलत सुनेहा भी जाएगा। जिक्रयोग है कि 3 अक्तूबर 2021 नूं किसानों दे वलों यूपी दे तत्कालीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या दे इलाके दे विच फेरी नूं लैके कीते गए विरोध प्रदर्शनों दौरान लखीमपुर खीरी जिले दे तिकुनिया दे विच भड़की हिंसा दे विच 4 किसानों सने 8 व्यक्तियों की मौत हो गई सी। उत्तर प्रदेश पुलिस दे वलों दर्ज FIR मुताबक SUV जिस दे विच आशीष मिश्रा भी बैठा होया सी उसने 4 किसानों नूं पहिए हेठां दरड दिता सी। इस घटना तो बाद भड़की हिंसा दे विच गुस्से दे विच आए किसानों ने SUV दे ड्राइवर ते 2 भाजपा वर्करां दी कुट कुट के हत्या भी कर दिती सी। हिंसा दौरान एक पत्रकार दी जान भी चली गई सी। तां सुप्रीम कोर्ट दे 2 मैंबरी बेंच दा कहना है कि सूबा सरकार नूं इह अधिकार है कि उह बाहरी हालात दे असर दे विच आए बिना केस दी निरपक्ष सुनवाई नूं यकीनी बनाए। सरकारां नूं इह अधिकार है क्योंकि समाज दा सन्मान दा ते लगा हुंदा है। मुलजम नूं अपराध दे लई दोषी साबित होण तक पूरा अधिकार भी है। दोष साबित होण तक किसी मुलजम नूं अणमिथे समें दे लई जेल दे विच रखण तों इनकार किया गया तां अजे जो फैसला वह राखवा रख लिया गया। लखीमपुर हिंसा मामले दे नाल जुड़ी यह वड्डी खबर है। आशीष मिश्रा जी की जमानत अर्जी ते फैसला राखवा रखा गया। हुण तुसी देख सकते हो ग्लोबल पंजाब TV नूं डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जां iOS ते फ्री विच रोकू अते Amazon Fire TV ते जां Apple TV ते। नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।